डूंगरपुर जिले में लॉकडाउन के बावजूद शराब तस्कर तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं डूंगरपुर पुलिस भी मुस्तैदी से तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। लॉकडाउन के बाद पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की है। साथ ही 28 कार्रवाई में 28 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए की शराब जब्त करते हुए 2 ट्रक सहित 5 वाहनों को भी जब्त किया है। लॉकडाउन के दौरान जो शराब है उसकी तस्करी के खिलाफ एवं जो शराब बेच रहे हैं उनके खिलाफ लगातार डूंगरपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई करी जा रही है। इसी में ही अभी तक लॉकडाउन में 28 मुकदमे बनाए गए, जिसके अंदर 374 हथकड़ शराब की बोतलें पकड़ी, देसी शराब की 322, अंग्रेजी शराब की 19,341 बोतलें, बियर 260, लगभग 1 करोड़ 50 लाख की शराब पकड़ी गई है, जिसके अंदर 2 बड़े ट्रक भी पकड़े गए, एक जीप थी, एक कार और एक